नमस्कार फ्रेंड्स, आज फिर एक नई रेसिपी को लेकर आपके साथ हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ फटे हुए दूध के पनीर से आप रसगुल्ले कैसे बनाएं। आज ये देखिए, मैंने फटे हुए दूध को इकट्ठा करके रख दिया था और ये पनीर के रूप में आ गया है फ्रेंड्स। और ये थोड़ा ज़्यादा ही भुरभुरा है, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से अभी मैश करना है और मैं इसे अच्छे से मैश करूँगी। और इसमें मैं थोड़ा सा अभी घी ऐड करूँगी ताकि इसमें एक लसलसापन आ जाए, एक चिकनापन आ जाए। ये फ्रेंड्स देखिए, इसको मैंने बहुत अच्छे से मसल मसल के तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। जितनी ही इसको मैं मसलूँगी उतना ही इसका टेक्स्चर और फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है फ्रेंड्स। और अब ये देखिए, ये मैंने इसको मसल लिया है फ्रेंड्स। और इसमें अब ये मिलाऊँगी मैं आटा। ये आटा मैंने लिया है लगभग आधा कटोरी के करीब, मीडियम साइज़ कटोरी से आधा कटोरी आटा लिया है मैंने फ्रेंड्स। और अब इसमें मैं इसे मसलूँगी और बीच में थोड़ा सा घी और भी ऐड करूँगी ताकि इसमें एक लसपना रहे और एक अच्छी बाइंडिंग आ जाए, क्योंकि पनीर से घी ऑलरेडी निकल चुका, इस वजह से उसमें उतनी चिकनाई नहीं रहती है। और ये जो थोड़ा सा आटा बचा था ये भी मैंने इसे मिला दिया है फ्रेंड्स। और अब इसको देखिए, थोड़ा सा घी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फिर से, और इस घी की वजह से इसमें बहुत अच्छा चिकनाई आ जाएगी और जिससे हमारे रसगुल्ले बहुत अच्छे बनेंगे और फटेंगे भी नहीं। और ये देखिए, पूरी कटोरी का आटा मैंने इसमें ऐड कर दिया है पनीर में। और क्योंकि पनीर से जब दूध और पानी निकल जाता है तो ये फिर थोड़ा सा भुरभुरा हो जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए, इसको मैंने खूब अच्छे से मसल लिया है और थोड़ा सा खाने वाला सोडा इसमें मिक्स किया है, आधी एक चुटकी से थोड़ा ज़्यादा। और अब थोड़ा सा घी फिर से मैं इसमें ऐड करूँगी, बिल्कुल 2 या 3 चम्मच घी इसमें मुझे लगेगा, क्योंकि जितना पनीर था उसी मात्रा में मैंने इसमें आटा डाल दिया है। और ये थोड़ा सा घी इसमें फिर से जाएगा ताकि इसमें चिकनाई बराबर बनी रहे। ये फ्रेंड्स देखिए, अब ये आटा फिर से मैं मसलूँगी इसको ताकि इसके रसगुल्ले बहुत अच्छे बने और सॉफ्ट बने। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसको मसलना फिर से शुरू कर दिया है और ये देखिए तैयार है। अब ये चाशनी की तैयारी, 1 कटोरी के लगभग मैंने शक्कर ले ली थी और ये 2 कटोरी के लगभग मैंने शक्कर ले ली है इसमें, और 1 कटोरी के करीब इसमें पानी डाल दूँ। और ये अब गैस स्टोव के ऊपर चढ़ा दूँगी। देखिए, मैंने गैस स्टोव के ऊपर ये चढ़ा दिया है चाशनी के लिए, 2 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी पानी। और ये फ्रेंड्स, अब इसकी चाशनी बहुत अच्छी बन जाएगी। और इसके देखिए, ये मैंने इसमें भी 1 चम्मच के करीब शक्कर ऐड कर दी है, क्योंकि जब ये रसगुल्ले बनेंगे ना तो जब शक्कर की जगह होगी उसके पोर खुल जाएंगे और उसमें सीरा बहुत अच्छे से भर जाएगा। ये देखिए शक्कर की चाशनी। और ये इसमें मैंने कुछ किशमिश के दाने लेके रखे हुए हैं और मैंने उसके आटे को बहुत अच्छे से मसल मसल के तैयार कर लिया था और इसके मैं लोई बनाऊंगी। और देखिए, इसके अंदर भर के इसको किशमिश के दाने भर करके मैं रसगुल्ले तैयार करूंगी। ये लगभग चाशनी मेरी हो चुकी है और अब चाशनी तैयार होने के बाद बस रसगुल्ले भर की बनने की देर है और अब रसगुल्ले भी बन जाएंगे फ्रेंड्स। अब ये देखिए, मैंने 2 इलायची को थोड़ा सा कूट लिया है और ये जा रहा है चाशनी के अंदर। ये फ्रेंड्स 2 कटोरी के लगभग की चाशनी है और 1 कटोरी पानी। ये देखिए फ्रेंड्स, इलायची इसमें डल चुकी है और इसको मैंने सभी लोइयों को बनाकर भर के इसमें किशमिश भर के मैंने ये रसगुल्ले तैयार कर लिए हैं। और ये मैंने कढ़ाई ले रखी है फ्रेंड्स, चाशनी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मेरी कढ़ाई भी बिल्कुल रेडी है। और देखिए, ये छोटा सा टुकड़ा मैंने डालकर देख लिया था कि आँच प्रॉपर है कि नहीं, और आँच बहुत अच्छी है, धीमी आँच पे मुझे ये रसगुल्ले अपने सेंकने हैं। पहले 1 रसगुल्ला डालकर मैंने देखा है, क्योंकि फ्रेंड्स हम ये पनीर से बना रहे हैं ये रसगुल्ले, इसलिए इसमें बहुत ही सावधानी से हमें ये रसगुल्ले बनाना है, क्योंकि खोए के रसगुल्ले जो बनते हैं ना वो बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से बन जाते हैं, लेकिन पनीर में थोड़ा सा क्या है, उसकी चिकनाई निकल जाती है। इस वजह से इसकी चिकनाई को मेंटेन करते हुए हमें इस रसगुल्ले को बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने धीमी आँच पर ये सारे रसगुल्ले डाल दिए हैं और इसे धीमी आँच पर ही मुझे सेंकना है ताकि इसमें अच्छे से ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए।
और सीरा भी इसमें, चाशनी भी इसमें बहुत अच्छे से घुस जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे सिक रहे हैं रसगुल्ले और बहुत ही अच्छे रसगुल्ले बनकर तैयार होने वाले हैं। फ्रेंड्स, जब कभी घर में दूध फट जाता है या गर्मी की वजह से दूध फट जाता है तो हम लोग इसी को कहीं पनीर बना लिया, कहीं कुछ बना लिया, कहीं रसगुल्ले ही बना लिए, कहीं कुछ पनीर के पराठे ही बना लिए, तो भाई हमें वेस्ट तो करना नहीं है, हमें उसका सदुपयोग ही करना है। इसलिए आज मैंने सोचा चलो आज ये रसगुल्ले बना कर के सर्व करते हैं फ्रेंड्स। और देखिए ये कितने अच्छे सिक रहे हैं, अच्छे सुनहरे सुनहरे रसगुल्ले सिक चुके हैं फ्रेंड्स ये। अब इसको मैं धीरे से कढ़ाई से निकाल लूँगी क्योंकि अंदर तक इसे सेंकना है और ये अच्छे से सिके, इसलिए धीमी आंच पर ही इसे सेंकना है। अब इसके बाद ये बाकी के रसगुल्लों को भी मैं सेंक लूँगी। ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया है और इसे डायरेक्ट मैं चाशनी के अंदर डाल दूँगी क्योंकि गरम गरम चाशनी के अंदर डालने से बहुत जल्दी सीरा घुस जाता है रसगुल्लों के अंदर। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें चाशनी डाल दी है और ये दूसरे स्लॉट के रसगुल्ले भी मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे सिक रहे हैं ये फ्रेंड्स, और ये भी तैयार हो जाएंगे थोड़ी देर में। देखिए फ्रेंड्स, ये रसगुल्ले भी इसमें जा चुके हैं और ये थोड़ी देर को मैं इसे करीब एक डेढ़ घंटे के लिए छोड़ दूँगी चाशनी के अंदर। और ये देखिए दूसरे स्लॉट के भी रसगुल्ले मेरे तैयार हो चुके हैं फ्रेंड्स। करीब पाव भर पनीर और करीब 100 ग्राम के करीब आटा इसमें लगा मुझे और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिया मैंने, खाने वाला सोडा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे रसगुल्ले बनकर तैयार हो रहे हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताएं और पहले आप खुद बनाकर देखें, एंजॉय करें, सर्व करें, टेस्ट करें। फ्रेंड्स, आपको ये रसगुल्ले की रेसिपी मेरी कैसी लग रही है आप ज़रूर इसे ट्राई करें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रसगुल्ले दूसरी स्लॉट के भी सिक कर तैयार हो चुके हैं फ्रेंड्स। और अब मैं इसे कढ़ाई से निकाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रसगुल्ले भी कढ़ाई से निकल चुके हैं और इन्हें सीरे में जाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये सीरे में जा चुके हैं और इसे अब मैं 1.5-2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि सीरा उसमें अच्छे से घुस जाए फ्रेंड्स। और देखिए, ये मैंने अभी एक जल्दबाजी में निकाल के काट के दिखाया, सीरा बहुत अच्छे से अंदर घुस चुका है फ्रेंड्स। वो देखने में ही इतना खूबसूरत लग रहा है, सुनहरे सुनहरे रंग के रसगुल्ले। आप इसे ज़रूर बनाएं, एक बार ट्राई करें बनाकर, आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। थैंक यू।